हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रूबी और आज से हम सामाजिक अध्ययन का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है हमारा भोजन। तो बच्चों सभी अपनी सामाजिक अध्ययन की बुक निकाल लेना और अभी से हम स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। पहले पेज पर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है हमारा भोजन, ठीक है। भोजन के बारे में पढ़ते हैं इसमें से। भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है या फिर जरूरी आवश्यकता है उसमें से भोजन एक है, ठीक है। जीवित रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों जीवित रहने के लिए हमें किसकी आवश्यकता रहती है? भोजन की, ठीक है। भोजन से हमारी शरीर की वृद्धि होती है। वृद्धि मीन्स बढ़ना, ठीक है। अब जब हम अच्छा भोजन करते हैं तो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है, हम जल्दी से बड़े हो जाते हैं। इससे हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्य मीन्स होता है काम, या इंग्लिश में बोलें तो वर्क। ऊर्जा मीन्स शक्ति प्राप्त होती है। तो हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? भोजन से, ठीक है। बच्चों समझ आया? आगे दिया हुआ है भोजन के स्रोत। तो भोजन हमें किस किस स्रोत से प्राप्त होते हैं, ठीक है। स्रोत स्रोत को हम साधन बोल सकते हैं, ठीक है। भोजन मुख्यतः दो स्रोतों से प्राप्त होता है। पहले नंबर पर दिया है पौधों से, दूसरे नंबर पर दिया है जंतुओं से। तो पौधों से कौन कौन सा भोजन प्राप्त होता है पहले हम वो पढ़ते हैं। पौधों से प्राप्त भोजन, पौधों से हमें अनाज, दालें, फल, सब्जियां, मसाले, खाद, तेल आदि प्राप्त होते हैं। तो बच्चों पौधों से हमें क्या क्या मिलता है? अनाज, जैसे कि गेहूं, चावल, दालें, फल। बहुत सारे फल जो हम खाते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधों से। सब्जियां, मसाले, खाद, तेल, जो हम तेल का यूज़ करते हैं तो वो हमको कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ या पौधों से, ठीक है। बच्चों आगे हमारे बुक में कुछ चित्र दिए हुए हैं जिसमें अनाज दिया हुआ है सबसे पहले, फिर दालें, फिर फल व सब्जी, मसाले, खाद, तेल, ठीक है। बच्चों समझ आया? पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है वो सब अच्छे से समझ आया ना। आगे दिया हुआ है जंतुओं से प्राप्त भोजन। जंतु मीन्स जीव जंतु से प्राप्त हमको कौन कौन सा भोजन प्राप्त होता है वो देखते हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे आदि प्राप्त होते हैं। दूध से पनीर, घी, दही, मक्खन आदि पदार्थ बनाए जाते हैं। तो बच्चों हमें जंतुओं से कौन कौन से भोजन प्राप्त होते हैं? दूध, दूध हम गाय, बकरी, भैंस से प्राप्त करते हैं। मांस हमें मुर्गी, बकरी से प्राप्त होता है। अंडे भी मुर्गी से प्राप्त होते हैं, ठीक है। और दूध से हम क्या क्या बना सकते हैं? पनीर, घी, दही, मक्खन और भी मिठाइयाँ बना सकते हैं, ठीक है। बच्चों समझ आया? आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक बॉक्स में दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं? भोजन में मांस, अंडे आदि का सेवन करने वाले लोग शाकाहारी और इनका सेवन करने वाले लोग मांसाहारी कहलाते हैं। सॉरी बच्चों एक बार और पढ़ते हैं इसको। भोजन में मांस, अंडे आदि का सेवन ना करने वाले लोग शाकाहारी और इनका सेवन करने वाले लोग मांसाहारी कहलाते हैं। तो बच्चों जो भोजन में मांस और अंडे खाते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं? मांसाहारी। और जो मांस और अंडे नहीं खाते हैं उनको हम बोलते हैं शाकाहारी, ठीक है। समझ आया? आगे दिया हुआ है भोजन का समय। हमें भोजन कौन कौन से समय पर करना चाहिए? हम दिन में 3 बार भोजन करते हैं, ठीक है बच्चों। पहले नंबर पर दिया है सुबह के समय। सुबह के समय हमें नाश्ता 8 बजे करना चाहिए, ठीक है। नाश्ता कब करना चाहिए? 8 बजे। फिर दूसरे नंबर पर दिया हुआ है दोपहर का समय। दोपहर के भोजन हमें कब करना चाहिए? हमें दोपहर का भोजन 2 बजे करना चाहिए, ठीक है। आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर रात के समय। हमें रात का भोजन 8 बजे करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो सुबह का नाश्ता कब करना चाहिए? 8 बजे। दोपहर का भोजन करना चाहिए 2 बजे। और रात का भोजन रात के 8 बजे करना चाहिए, ठीक है। समझ आया? आगे दिया हुआ है आपने क्या सीखा? प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी तक हमने जो पढ़ लिया है उसमें क्या सीखा है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। पहला दिया हुआ है पौधों से प्राप्त किन्हीं 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है अभी हम देख चुके हैं बच्चों, फल, सब्जियां, दाल, ठीक है। तो इनमें से कोई 2 नाम लिखने हैं। तो हमने पहले नंबर पर फल लिख दिया और दूसरे नंबर पर सब्जियां, ठीक है। तो पौधों से हमें 2 खाद्य पदार्थ कौन कौन से प्राप्त होते हैं? फल और सब्जियाँ।
दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, जंतुओं से प्राप्त किन्हीं दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। अब हमें जंतुओं से कौन कौन से खाद्य पदार्थ प्राप्त होती हैं उनके नाम लिखने हैं, तो दूध और अंडा। ठीक है बच्चों, पहले नंबर पर लिखेंगे दूध और दूसरे नंबर पर अंडा। आगे दिया हुआ है, भोजन पकाकर एवं कच्चा दोनों प्रकार से खाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, भोजन कैसे, हम पकाकर भी खा सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं। पहला दिया हुआ है, कुछ खाद्य पदार्थ जैसे दालें सब्जियां आदि पकाकर खाए जाते हैं। पकाने से एक खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट तथा सुपाच्य हो जाते हैं। स्वादिष्ट का मतलब होता है टेस्टी, तथा सुपाच्य मीन्स अच्छे से पाचन होता है उनका। ठीक है, जल्दी पच जाती हैं, डाइजेशन अच्छे से होता है। आगे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, कुछ खाद्य पदार्थ जैसे फल तथा कुछ सब्जियां जैसे कि गाजर मूली आदि कच्चे खाए जाते हैं। ठीक है, गाजर मूली और फल कैसे खाए जाते हैं, कच्चे। ध्यान रखने योग्य बातें, कुछ पॉइंट दिए हुए हैं उनको पढ़ते हैं हम। भोजन करने से पहले तथा बाद में हमें हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। बच्चों, हमें भोजन करने से पहले भी हाथ धुलना चाहिए अच्छे से साबुन से, और भोजन करने के बाद भी धुलना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्या दिया हुआ है, कुछ और पॉइंट दिए हुए हैं उनको पढ़ते हैं। सदैव शुद्ध एवं ताज़ा भोजन करना चाहिए। तो बच्चों, हमको कैसा भोजन करना चाहिए, शुद्ध एवं ताज़ा। रखा हुआ भोजन कभी नहीं खाना चाहिए, रात का रखा हुआ या फिर दोपहर का रखा हुआ नहीं खाना चाहिए, हमेशा ताज़ा भोजन खाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, भोजन धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। तो भोजन को हमको कैसे खाना चाहिए बच्चों, धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर। ठीक है, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, खाद्य पदार्थों को खाने से पहले अच्छी तरह पानी से धो लेना चाहिए। तो बच्चों, खाद्य पदार्थों को खाने से पहले, जैसे कोई भी फल खाते हैं हम, फ्रूट्स खाते हैं, तो उनको खाने से पहले क्या, हमको उन्हें धुल लेना चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए। तो बच्चों, हमें हमारे भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए, ऐसा नहीं करते कि उसे ढके नहीं और उसमें कुछ भी गिर जाए। ठीक है, तो हमेशा कैसे रखना चाहिए, भोजन को ढककर। आगे कुछ मुख्य बिंदु दिए हुए हैं उनको पढ़ते हैं। पहला दिया हुआ है, भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हमारी ज़रूरी आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, भोजन से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा को हम शक्ति बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, तो भोजन से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा, एनर्जी या फिर शक्ति प्राप्त होती है। भोजन मुख्यतः दो स्रोतों से प्राप्त होता है। ठीक है, दो स्रोत या साधन से प्राप्त होता है, कौन कौन से, पौधों से तथा जंतुओं से। ठीक है बच्चों, अभी हम पढ़ चुके हैं पौधों से हमें कौन कौन सा भोजन प्राप्त होता है, जंतुओं से कौन कौन सा भोजन प्राप्त होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पौधों से हमें दाल, अनाज और भी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे कि फल, सब्जियां, मसाले, खाद्य तेल आदि। ठीक है, और जंतुओं से मांस, अंडे, दूध ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है, भोजन में मांस, अंडे आदि का सेवन ना करने वाले लोग शाकाहारी कहलाते हैं। तो बच्चे जो अंडे और मांस आदि नहीं खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, शाकाहारी, और जो मांस अंडे का सेवन करते हैं वो मांसाहारी। आगे नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, भोजन करने से पहले तथा बाद में हमें हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। तो बच्चों ये भी हम पढ़ चुके हैं, भोजन करने से पहले तथा बाद में हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। ठीक है, अब हमारे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं। पहले नंबर पर दिया हुआ है, का नंबर पर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है बच्चों, इसमें हमको तीन ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें से जो हमारा सही हुआ उस पर हम सही का या करेक्ट का निशान लगा देंगे। ठीक है, पहले दिया हुआ है, भोजन मुख्यतः कितने स्रोतों से प्राप्त होता है। पहले नंबर पर दिया हुआ है दो, दूसरे नंबर पर चार और तीसरे नंबर पर पाँच। ठीक है, आगे दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, बच्चों जो पहला प्रश्न था, भोजन मुख्यतः कितने स्रोतों से प्राप्त होता है, तो पहले नंबर पर दो, दूसरे नंबर पर चार, तीसरे नंबर पर पाँच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दो।
भोजन हमें मुख्यतः कितने स्रोतों से प्राप्त होता है? दो स्रोतों से। कौन कौन से हैं वो? पौधे तथा जंतु। तो इसके जो पहले नंबर का आंसर है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, मांस अंडे आदि का सेवन करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? तो मांस और अंडे का सेवन करने वाले लोग बच्चों क्या कहलाते हैं? पहले नंबर पर दिया हुआ है मांसाहारी, दूसरे नंबर पर शाकाहारी और तीसरे नंबर पर दोनों। तो इसका आंसर मांसाहारी होगा। पहले नंबर का जो ऑप्शन है उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, हमें कैसा भोजन करना चाहिए? नंबर एक पर बासी, नंबर दो दूषित, नंबर तीन ताज़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ताज़ा। तो जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है उसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे, ठीक है। हमारे यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है, सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनमें से छांटकर हमें खाली स्थानों में भरना है, ठीक है। भोजन से हमें कार्य करने के लिए प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। तो पहले खाली स्थान में क्या लिख देंगे हम? ऊर्जा। दूसरा खाली स्थान दिया हुआ है, हमें फल तथा सब्जियां प्राप्त होती हैं, किससे प्राप्त होती हैं बच्चों? फल और सब्जियां पौधों से। तो दूसरे वाले खाली स्थान में क्या आ जाएगा? पौधों से। तीसरा दिया हुआ है, पकाने से खाद्य पदार्थ हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं बच्चों? स्वादिष्ट हो जाते हैं। तो जो तीसरे नंबर का खाली स्थान है उसमें क्या भर देंगे हम? स्वादिष्ट। पकाने से खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट हो जाते हैं। चौथा खाली स्थान दिया हुआ है, हमें भोजन नहीं करना चाहिए, कैसा भोजन नहीं करना चाहिए? बासी भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसके चौथे नंबर के खाली स्थान में हम बासी लिख देंगे, ठीक है। समझ आया? ये हमारे खाली स्थान कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है, गा नंबर पर सही कथन के लिए सही का तथा गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाइए, ठीक है बच्चों। कुछ हमें सही गलत दिए हुए हैं, उनको पढ़ते हैं। पहले नंबर पर दिया है, भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है। तो बच्चों ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, भोजन हमारी क्या है? मूलभूत आवश्यकता है। तो इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, भोजन से हमारे शरीर की वृद्धि होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसके आगे भी हम क्या लगाएंगे? राइट का निशान लगाएंगे। तीसरे नंबर पर दिया हुआ है, जंतुओं से हमें दूध मांस आदि प्राप्त होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है बच्चों, इसके आगे भी हम राइट का निशान लगाएंगे। चौथे नंबर पर दिया हुआ है, भोजन दिन में केवल एक बार करना चाहिए। तो बच्चों ये तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है, हमें भोजन कितनी बार करना चाहिए? तीन बार, ठीक है। तो इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है, घ नंबर पर नाम लिखिए। नाम में पहला दिया हुआ है आपका प्रिय भोजन। बच्चों इसमें आप आपको जो पसंद हो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या लिखा है? दूध। दूसरे नंबर पर लिखा है आपका प्रिय फल। आप सभी बच्चों का प्रिय फल क्या है? आप वो अपना प्रिय फल का नाम लिख सकते हैं। हमने क्या लिखा है? आपका प्रिय फल में आम, ठीक है। कोई सा भी फल लिख सकते हैं आप। आपकी प्रिय सब्जी आलू, यहाँ पर भी आप कोई सी भी सब्जी का नाम लिख सकते हैं। आपकी प्रिय मिठाई रसगुल्ला लिखा हुआ है हमने, आप अपनी पसंद की जो भी मिठाई हो उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है, ड नंबर पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कुछ हमको प्रश्न दिए हुए हैं और उनके हमें उत्तर देना है, ठीक है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा, जीवित रहने के लिए हमें भोजन आवश्यक है, ठीक है बच्चों। समझ आया? भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? जीवित रहने के लिए हमें भोजन आवश्यक है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, भोजन किन स्रोतों से प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा, भोजन पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, ठीक है बच्चों। किस किस से प्राप्त होता है हमें भोजन? पौधों तथा जंतुओं से। आगे दिया हुआ है तीसरा प्रश्न, शाकाहारी किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, भोजन में मांस अंडे आदि का सेवन ना करने वाले लोग शाकाहारी कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। जो लोग मांस और अंडे नहीं खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? शाकाहारी। आगे दिया हुआ है, मांसाहारी भोजन में किन किन खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है? मांसाहारी भोजन में मांस
अंडे, दूध आदि खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ आया? मांसाहारी लोग क्या क्या खाते हैं? अंडे, दूध और मांस। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मांसाहारी भोजन में मांस, अंडे, दूध आदि खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे कुछ हमको ड्राइंग बनाकर दी हुई है, कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ सब्जियां हैं, ठीक है, कुछ फल हैं, कुछ सब्जियां हैं। तो जो हमारे फल हैं जिनको हम कच्चा खाते हैं उस पर का लिखना है, और जो हमारी सब्जियां हैं उन्हें हम पकाकर खाते हैं उन पर पा लिखना है। जैसे कि पहले नंबर पर आम दिख रहा है, तो आम को तो हम ऐसे ही खा लेते हैं कच्चा, तो इस पर का लिखेंगे। फिर दिया हुआ है बैंगन, बैंगन को हम पकाकर खाते हैं तो इस पर पी बनाएंगे। फिर दिया हुआ है अमरूद है, तो इस पर भी हम का लिख देंगे, ऐसा ही खा लेते हैं। टमाटर पे पा लिख देंगे, आलू पे पा लिख देंगे, अनार के आगे का लिख देंगे, केला पे का लिख देंगे, चावल पे पा लिख देंगे, यहाँ पे मांस रखा हुआ है उस पर भी पा लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे आप पहचान कर यहाँ पर का और पा लिखना। ठीक है, समझ आया? यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। थैंक यू।